हेलो आवाज आ रही है तो ये मेरे फैंस हैं सारे। हेलो गाइस व्लॉग टू माय वेलकम। सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो। गेस करो कि आज हम कहाँ आए हैं। वैसे जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा उनको तो पता ही होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, और जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। सो आज हम आए हैं चंडीगढ़, और वैसे हम आज ही आए थे, मतलब दोपहर को आए थे ना आज हम। हाँ दोपहर आधे घंटे पहले ही आए हैं। पता है हमने सुबह सुबह की टिकट कराई थी 7:30 की, बट ट्रेन डिले हो गई 5 घंटे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा। फिर आते हैं ये, और 5 घंटे डिले हो गई। फिर हमारे को 12:30 ट्रेन मिली, और उसके बाद हम आए फिर यहाँ। अभी टाइम हो रहा है 4 बजे ना। सो जस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले अपने होटल में आए थे, जिसमें आपको अभी पहले अपना होटल दिखाता हूँ, बाकी बातें करेंगे। सो चलो पहले होटल दिखा दो, मतलब रूम देता हूँ। सो गाइस ये हमारा रूम। तो यहाँ पे कबर्ड, यहाँ हमारा सारा लगेज वगैरह, और यहाँ पे टीवी, 2 बेड हैं, एक अमन का एक मेरा, और यहाँ पे एक चेयर है स्टडी टेबल टाइप, और ये है सोफा। बाकी हाँ ये है पूरा रूम, और ये काफ़ी अच्छे लगे पोस्टर्स वगैरह है ना। दो एस्थेटिक्स हैं। कैसा लगा? ठीक है, मतलब अच्छा है। शायद कल भी हम यहीं स्टे करेंगे, आज का तो यहीं पे है, बाकी देखते हैं अगर मन करा तो कल भी यहीं स्टे कर लेंगे। सो या चंडीगढ़ बेसिकली हम इसलिए आए हैं क्योंकि जस्ट अभी कुछ दिन पहले मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे, और घर में बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो गया था। तो मेरा मन था कि मैं जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे उसके कुछ दिन बाद ही अपना घूमने जाऊँगा कहीं। सो जस्ट हम लोगों ने प्लान करा कि चंडीगढ़ चलते हैं, और यहाँ पे अपना कुछ 2-3 दिन मस्ती वगैरह करेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि कपड़े भी खत्म हो चुके हैं, वहाँ से तो कुछ मिलता नहीं, तो यहीं पर आके कुछ शॉपिंग वगैरह करता हूँ मैं। तो हम जा रहे हैं किसी से मिलने। वैसे काफ़ी लोगों ने गैस कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं गैस करा वो गैस करो, और जिन्हें पता है वो कमेंट में बताओ कि किससे मिलने जा रहे हैं। मे भी थंबनेल में दिख जाए, बट चलो अभी फिलहाल जस्ट हमने वैसे 12 बजे से कुछ भी नहीं खाया, एंड 4 बज रहे तो भूख भी बहुत तेज लग रही है, तो मे भी अभी कुछ खाने जाएंगे। सो मे भी हम एलांटे मॉल जाएंगे, अभी डायरेक्ट एलांटे मॉल भी मिलता है। सो लेट्स गो। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं एलांटे मॉल। वैसे हमारे होटल से सिर्फ 2-3 मिनट का रास्ता था, बहुत ही मतलब जल्दी आ गए हम तो, और उन्हें अभी 10 मिनट और लगेंगे, हर बार की तरह लेट लतीफ। सो अभी वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे, और एक तो भूख बहुत तेज लग रही है हमें। 20 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक नहीं आए ये लोग, मतलब समझ जाओ कितना लेट करते हैं। एंड मैं अमन को कह रहा था, देखो वो ट्रेंड नहीं चल रहा डांसी जो भी है ये बनाते हैं अभी अमन, यहाँ पर फ़ोन रख और पता नहीं जो भी है हमें क्या। सो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गए। अभी ना पार्किंग करने साथ चले। हाँ अभी भैया ने पता कॉल करके कहा, तरुण एंट्री पे खड़े रहना, और जैसे ही तुम्हारे को एक लाल कलर की गाड़ी दिखेगी उसमें सीधा घुस जाना और पार्किंग करने चलेंगे। हम ना यहाँ पे 4:30 बजे के आए हैं, और 5 बज चुके हैं, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं हमारे को। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई क्या? हाँ अच्छा ठीक है। तो मैंने सुना है कि तरुण सबको आईफोन लेके था। ओ पहले हेलो, मैं इसे ले आई हूँ, मतलब ये मिलने आया, ठीक है वो चलो बाद की बात में मिला हो जाएगा। आवाज़ आ रही है? हेलो आवाज़ आ रही है? तो मैंने सुना है कि तरुण सबको आईफोन लेके देता है, तो आज ही मुझे 13 Pro Max लेके देगा ना। और ये टूटा दिखाई तेरा फोन तो है, जो आज 12 Pro आ जाता ना, मुझे नहीं आता ये मुझे आ नहीं। ओ देखो देखो अमीरी देख रहे हो, दोनों फोन ले रखे हैं। ये करीब से मेरा है, मतलब वो भी 3 साल का था। ओह मैं गरीब हूँ, देख मेरे पास तो पॉकेट भी नहीं है, मैं क्या दिखाऊँ। बर्थडे पे अमूल मेरे को दिलाएगी। पहली बात हम दोनों का बर्थडे निकल चुका, दूसरी बात तेरा बर्थडे पहले आएगा तब तक तू ले। हाँ तभी तो कह रहा हूँ बर्थडे पे मेरे को।
आपको भी ले देगा, इसके पास बहुत पैसे हैं, ये वैसे घर से खत्म निकलते, बहुत सेविंग होगी इसके पास, सेविंग बहुत होगी। चल आज सारे छुपा के रखे हुए, छुपा के रखे हुए हैं, देख ले। सॉर्टेड है गाइस, मिलते हैं नए फोन के साथ। भैया राइड नहीं यार, मैं फिट नहीं आऊंगा, पूछ लो इसमें आ जाऊंगा, मांग पूछ ले यार, आ जाओ। मैं नहीं पूछ रहा वो सिनेमैटिक था। ला 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 ला, ओ भाई बोल ले कुछ, मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ नहीं होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय, नहीं हेलो गाइस, व्लॉग टू माय, वेलकम व्लॉग टू माय। एक था तो मेरे ख्याल से था, मेरा ही है। अच्छा आपका ही है, वाह भैया ने इन्वेंट करा है वाला। उधर दीदी क्लासेस दे रही हैं हार्दिक भैया को, पोजेस की पोजेस की। मैं सीक्रेट बताती हूँ, हर बार हम ही बोलते हैं हार्दिक भैया के पोजेस, पता कैसे होते हैं, देख शूट करिए, मैंने पकड़ो भैया कैसे। आज हमारी क्लिक करेंगी प्रोफेशनल फोटोग्राफर चेतना दीदी, असिस्टेंट भी आ गया। हाय गाइस, तो ये मेरे फैंस आए सारे, आ जाओ आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। पंखा तोड़ दो बस बस। क्या कर रहा है? एस्थेटिक फोटो। फिलहाल अभी हम वापस आ चुके हैं एंड हार्दिक भैया और भी अपने घर जा चुके हैं अभी। सो जस्ट अभी हमने कुछ खाने के लिए मंगवाया, ये फिलहाल अभी मोमोज आए हैं एंड हमने साथ साथ ऑर्डर करा है राजमा चावल और थाली वाली, थाली वगैरह इसने ऑर्डर करी है एंड अभी जस्ट राजमा चावल लेने जाएंगे नीचे, अभी फिलहाल तो मोमोज आए हैं। सो मोमोज खाते हैं। 5 मिनट भी नहीं हुए, हमने जस्ट मोमोज खाया और हमारा अभी सेकेंड ऑर्डर आने वाला है, तो अब जस्ट वो लेने जा रहे हैं। होटल का खाया ही खाया है जो पसंद नहीं आएगा, बट हाँ अभी इतने ओपी मोमोज खाए हैं ना हमने, मतलब मज़ा आ गया, मेरा तो और खाने का मन कर रहा है, इतने ओपी थे ना, मज़ा आ गया। कैसे लगे थे? मज़े आ गए, बट भाई साहब महंगे भी उतने ही थे। जितने महंगे थे उतने ही अच्छे थे। जस्ट हमने अपना दूसरा ऑर्डर भी पिक कर लिया था, तो राजमा चावल काफ़ी अच्छे थे, थाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी हमें जो आई है, बाकी राजमा चावल बहुत मस्त लगे हमें। सो फिलहाल जस्ट अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं कि क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाएंगे और मे बी कल सुबह हम जाएंगे सुखना लेक, है ना? मे बी अगर सुखना लेक नहीं गए तो मैं वर्कआउट के लिए जाऊंगा जिम, यहाँ पे जिम भी है ना, तो अपना सुबह वर्कआउट। सो जस्ट अभी सोने की तैयारी हो रही है एंड आई थिंक अब ब्लॉग को एंड करते हैं। सो ब्लॉग को अब एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। सो अगर पसंद आया तो लाइक कर दिया भाई, कमेंट कर देना भाई, सब सब लोग हैं भाई और बहनों, भाई इसकी बहनों, इसकी बहनों, इसकी बहनों, कृपया करके लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कर देना अगर ऐसा लगा हो तो। सो एंड करते हैं फिर, बाय बाय, टाटा, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।